हे गाइस, तो चलिए बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी, जो कि बहुत ही बढ़िया मखनी ग्रेवी के साथ बनेगी। एकदम इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हो और कभी भी लंच या डिनर में सर्व कर सकते हो। ऐसी और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। पनीर मखनी की स्पेशलिटी उसकी मखनी ग्रेवी है, तो ये ग्रेवी बहुत इजीली बन के रेडी होती है। बाकी ग्रेवीज़ की कंपेरेटिवली बहुत इजी होती है। कुछ नहीं करना है, बस पैन में थोड़ा सा मक्खन लेना है। आप रेडीमेड जो बटर होता है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने होम बेस्ड बटर का यूज़ किया है और इसमें मैंने बे लीफ, कश्मीरी रेड चिलीज़, हरी वाली इलायची, ब्लैक इलायची डाली है, लौंग डाला है, सिनेमन स्टिक डाली है, 3 से 4 ब्लैक पेपर डाला है, ये स्टारफुल डाला है, इसी के साथ थोड़ा सा जिंजर भी डाल दिया है और गार्लिक। अब ये जो है ना वो मखनी के मेन स्पाइसेस है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करिएगा। अब इसमें ना टोमेटो और अनियन का रेशियो अलग से होता है, मतलब अनियन इसमें आप एक यूज़ कर रहे हो तो टोमेटो इसमें 3 यूज़ हो गए। ये टोमेटो कंपेरेटिवली मखनी ग्रेवी में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का अनियन लिया है और 3 बड़ी साइज़ के टोमेटो, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसे हमें सौते वोते नहीं करना है, बस इसे अच्छे से कुक करना है, तो अच्छी सी मखनी ग्रेवी हमारी रेडी होगी। तो यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया है और बहुत सारे केश्यूज़ डाल दिए हैं, जो कि हमारी मखनी ग्रेवी को अच्छा सा थिक बनाएंगे। अगर आपके पास कैश्यू नहीं है तो आप इसकी जगह पे वाटरमेलन सीड्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस आप कवर करके ना 15 से 20 मिनट तक हमें इसे अच्छे से कुक कर लेना है। तो ये 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो पानी सारा बर्न हो चुका है और टोमेटो, अनियन सब कुछ अच्छे से कुक हो चुका है। तो बस अब इसे थोड़ा सा हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के लिए मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था और इसमें से हम बे लीफ निकाल लेंगे और अब ना सारे मसालों को हमें मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब सारी चीज़ों को मिक्सी में ट्रांसफ़र करने के बाद ना हम इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे, ताकि सारी चीज़ें ना अच्छे से क्रश हो जाए और एक स्मूथ सा मखनी सॉस बन के रेडी हो जाए। तो ये देखिए मखनी सॉस बन के रेडी है। बस अब आगे की प्रोसेस तो एकदम इजी है। तो अब ऐड कर देना है अच्छा खासा सा बटर। तो यहाँ पे मैंने करीबन 3 टेबलस्पून जितना बटर ऐड किया है और इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चॉप्ड किया हुआ गार्लिक और थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अब ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। गैस की फ्लेम को आप लो रखिएगा, नहीं तो आपकी जो पेस्ट है वो चिपक जाएगी। तो गैस की फ्लेम को लो रखना है और अब इसके अंदर पनीर के क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। बटर में पनीर के क्यूब्स को सौते करने से ना क्यूब अच्छे से बटरी हो जाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट भी रहेंगे। तो सौते करने के बाद हम बटर के अंदर कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो हम पैन में ऐड कर लेते हैं और फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्सी जार में मैंने 1 कप जितना पानी ऐड कर लिया है, ताकि जो भी पेस्ट लगी है मिक्सी जार में वो निकल जाए। तो ये देखिए पानी डाल के बस सारी चीज़ों को फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर हम बेसिक स्पाइसेस डालेंगे। तो ये मैंने कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर डाला है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा आप स्पाइसी वाला रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने जो गरम मसाले यूज़ किए हैं उसका फ्लेवर अच्छा आएगा अगर आप मिर्च ज़्यादा नहीं डालोगे। बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। जैसे ही ये मसाले थोड़े से कुक हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो अच्छे से क्रश करके इसे ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मज़ेदार सी डिलीशियस क्विक इजी वाली पनीर मखनी बनके रेडी है। तो ये पनीर मखनी की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपने देखा है ये बहुत ही इजी है। आप इसे कभी चपाती, पराठा, लच्छा पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो।
बहुत फटाफट बन के रेडी हो जाती है। तो ऐसी और भी क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, बेल आइकन भी दबाएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले नई रेसिपीज़ के। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, टू कमेंट इफ़ यू लाइक द रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।